कितनी अजीब बात है ना कि रिश्ता एक होता है और संभालने वाले दो होते हैं, लेकिन फिर भी इसे संभाल नहीं पाते। संभोग से संबंधित ज्ञान का होना जरूरी है और महिलाएं भी इस बात को समझने के लिए हकदार हैं। ये हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया वालों पर नहीं, दुनिया बनाने वाले पर विश्वास करो। पुरुष हमेशा महिलाओं का पहला प्यार होना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों का आखिरी रोमांस। समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं। लोग यहां नफरत भी प्यार की तरह करते हैं। किसी ने सही कहा है कि शादी एक जुआ का खेल है। जीवन साथी अगर अच्छा है तो वह इंसान निखर जाता है, वरना बिखर जाता है। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत बोले, बस मुस्कुराकर उसे छोड़ दीजिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। जिस स्त्री के दोनों स्तन छोटे होते हैं, वह स्त्री अन्य स्त्रियों की तुलना में ज्यादा कामुक नहीं होती है। सिर्फ एक वादा, आप अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां आप गलत नहीं, वहां कभी सर मत झुकाना। आप ऐसी औरत को खोज सकते हैं जिसका कभी कोई अफेयर ना रहा हो, पर ऐसी औरत को खोजना मुश्किल है जिसका बस एक रहा हो। इंसान चाहे खुद को जितना भी जी कर ले, लेकिन जिससे वह सच्चा प्रेम करता है उसकी यादों से कभी बच नहीं सकता। ऐसे दोस्त को कभी अपने घर पर न लाएं जिसकी तरफ आपकी पत्नी का थोड़ा भी आकर्षण हो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। पुरुष को संभोग करने के लिए महिला की अनुमति चाहिए होती है, परंतु महिला का केवल किसी पुरुष के प्रति ऐसा सोचना ही काफी है। जब कोई पवित्र स्त्री किसी गैर मर्द के साथ चुंबन या संभोग करती है तो वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। हर किसी के बस में नहीं होता। किसी एक के लिए वफादार होना अच्छा भोजन, अच्छे संभोग की तरह है। जितना अधिक मिलता है, आप उतना अधिक और चाहते हैं। औरत दाढ़ी रखने वाले पुरुषों को देखकर उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे पुरुष जिम्मेदार होते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते। किसी स्त्री के खुले स्तनों को देखने से स्त्री आपकी तरफ आकर्षित होती है। संभोग हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसका हमें दोषी या गंदा महसूस किए बिना आनंद लेना चाहिए। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। संभोग न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नई और कुंवारी लड़कियों के मुकाबले शादीशुदा औरतों में संबंध बनाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही न समझ पाया, वह रिश्तों को क्या समझेगा। यौन गतिविधियों से किसी भी रिश्तों की संतुष्टि में सुधार किया जा सकता है। यदि कोई लड़की आपके लिए खुद खाना बनाकर लाती है तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए बहुत ही खास हों। साइकोलॉजी के अनुसार जवान औरत के साथ संबंध बनाने से पुरुषों का औजार मोटा और लंबा होता है। जब पुरुष किसी जवान महिला को देखते हैं जिसके स्तन काफी बड़े हों, तो पुरुष उसे महिला के साथ संभोग करना चाहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि संभोग के दौरान महिला की योनि से आवाज आने लगे तो समझ लें कि महिला संतुष्ट है। जिस स्त्री की कमर पतली और पिछला भाग बड़ा हो, उस स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष को अधिक सुख प्राप्त होता है। जो महिलाएं ब्रा नहीं पहनती उनके स्तन ढीले हो जाते हैं, और जो महिलाएं पैंटी नहीं पहनती उनके गुप्तांग काले पड़ जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो महिलाएं शारीरिक रूप से अपने पति से संतुष्ट नहीं होती, उनकी अवैध संबंध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। स्ट्रेच की सबसे अच्छी दवा संभोग मानी जाती है। संभोग करते समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। संभोग के तुरंत बाद पेशाब करना बहुत मुश्किल होता है और शायद दर्द का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे शरीर से एंटीबायोटिक हार्मोन्स रिलीज होता है। जिस स्त्री की कमर पतली और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उस स्त्री के साथ सेक्स करने से पुरुषों को बहुत आनंद प्राप्त होता है। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। जिस महिला का सामान छोटा होता है, वह महिला खड़े होकर करवाना पसंद करती है। 16 साल की लड़कियों की योनि पर बाल आना शुरू होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज न करें जो आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है, क्योंकि एक दिन आपको एहसास हो सकता है कि आपने सितारों को गिनते हुए चांद को खो दिया है।
बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वो एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उनको औरत की इज्जत करना सिखाया है। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, या तो मांग लो या कर दो। एक रिसर्च के अनुसार जिन पुरुषों को भूख ज्यादा लगती है उन्हें पतली दुबली लड़कियों के बजाय अधिक वजन वाली लड़कियां ज्यादा आकर्षक लगती हैं। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। सेक्स करने से बूढ़ों की मानसिक स्वस्थता बढ़ती है और उन्हें दिल की बीमारियों का जोखिम कम रहता है। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वह दूर जाने के हजार बहाने बता देंगे। साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्यार आपकी वैल्यू बर्बाद कर सकता है। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जो स्त्री कभी गैर मर्द से रिश्ता नहीं रखती उसकी यही निशानी होती है, वह दूसरे मर्द के बकवास बातों पर हंसने की बजाय तीखा जवाब देती है। साइकोलॉजी के अनुसार गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप परेशान हो तो आप जिससे प्यार करते हैं उसे गले से लगाएं। इससे आपके मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, इसके बिना इंसान के उदास होने के चांस बढ़ जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि संभोग की लत दिमागी प्रॉब्लम का कारण भी हो सकता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आप जिससे प्यार करते हैं उसके बगल में सोने से मानसिक तनाव में कमी आती है, बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। दोस्तों कई बन जाते हैं, मगर एक भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। संभोग महिलाओं को सुंदर बना सकता है, उनके शरीर का एस्ट्रोजन का स्तर दोगुना हो जाता है, जिससे बाल चमकीले और त्वचा नर्म हो जाती है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाती है जहां पहले से ही जख्म होता है। बिना कपड़ों के सोने से नींद भी जल्दी आती है और तनाव कम हो जाता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मनोविज्ञान कहता है जो औरतें संभोग करते समय लाइट बंद कर देती हैं ऐसी औरतें बहुत ज्यादा कामुक होती हैं और वे संभोग के पल को महसूस करना चाहती हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता तो वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। मनोविज्ञान कहता है जो औरतें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी है ऐसी औरतों के गुप्तांग में अत्यधिक गर्मी होती है और संभोग के दौरान वे जल्दी संतुष्ट नहीं होती। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष रोजाना संभोग करते हैं उनमें संभोग न करने वाले पुरुषों की तुलना में 7 दिनों के बाद अधिक बेहतर क्वालिटी वाला वीर्य होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जितना आप अधिक संभोग करेंगे आपके जीने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में वही सबसे ज्यादा सुखी है जो यह जान चुका है कि दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी। सच्चा प्यार हो जाने के बाद लड़के बेकार की बातें करना बंद कर देते हैं, वे अपने पार्टनर के साथ भविष्य की बातें करना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लड़के ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर आपकी खुद से ज्यादा फिक्र होती है। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया के 80% लोग मैसेज के द्वारा वह बातें कहते हैं जो वह उस व्यक्ति के सामने नहीं कह पाते। संभोग के समय स्त्री की योनि चूसने से स्त्री चरम सीमा पर खड़ी हो जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपका मन अक्सर भटकता रहता है तो 85% संभावना है कि आप अपने जीवन से अवचेतन रूप से नाखुश हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लोग उस इंसान से गहराई से प्यार करते हैं जो उन्हें कभी मिल नहीं सकता। साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी अपने रिलेशनशिप को किसी और के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है।
साइकोलॉजी कहता है कि लड़के बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका से कोई और लड़का बात करे। मनोविज्ञान कहता है गले लगना तनाव और चिंता दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है और साथ ही यह आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। मनोविज्ञान के अनुसार सभी महिलाएं यही चाहती हैं कि उसके बेहद कोमल अंगों को शुरुआती दौर में ज्यादा तकलीफ न दी जाए। महिलाएं पुरुषों से चाहती हैं कि वे उसके सेंसिटिव अंगों के साथ संवेदनशीलता से ही पेश आएं। मतलब यह कि शारीरिक संबंध के दौरान वे चाहे तो जीभ व उंगलियों का इस्तेमाल करके जरूरी उत्तेजना पैदा करें। मनोविज्ञान कहता है कोई अगर खुशी के आंसू रोता है तो सबसे पहले पानी दाईं आंख से बहता है और कोई गम के आंसू बहाता है तो बाईं आंख से पानी आता है। लड़कियां उन लोगों को नापसंद करती हैं जो उन्हें एक ही बात एक से अधिक बार कहते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हों। उनके प्रति लड़कियां जागरूक होती हैं। मनोविज्ञान मानता है कि महिलाएं किसी पुरुष से प्रेम करने के लिए औसतन 15 दिन का समय लेती हैं, जबकि पुरुष किसी महिला से प्रेम करने के लिए 8 से 10 सेकंड ही लेता है। बार बार संभोग करने के बाद पुरुष को स्खलित होने में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके विपरीत स्त्रियां पिछली बार के संभोग की अपेक्षा अतिशीघ्र चरम सुख को प्राप्त कर लेती है। एक मर्द बिना संबंध बनाए 20 दिन तक रह सकता, उसके बाद उन्हें बेचैनी होने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी औरत जब किसी मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसे ज्यादातर नींद आने की संभावना 12 जाती है, क्योंकि संबंध बनाने के तुरंत बाद औरत सुस्त हो जाती है और वह आराम भी महसूस करती है। दोस्तों, जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वह और ज्यादा ऐसे काम करता है जिनसे आप परेशान हो जाओ, जबकि वह खुद यह बात जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। जो औरत सेक्स से पहले अपने दूध को पिलाना चाहती है, इसका मतलब यह हुआ वह अपने पार्टनर को और अधिक उत्तेजित करना चाहती है ताकि सेक्स का पूरा मजा लिया जा सके। दोस्तों, जो लोग खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब कोई आपके साथ प्यार में होता है तो वह आपके साथ रहने के बहाने ढूंढता है और ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ बिताना चाहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मैसेज के टाइप करने की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिसको मैसेज कर रहे हैं वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जिससे प्यार करते हैं तो उसे मैसेज करते समय आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाती है। अगर कोई लड़की चाहती है कि आप उसके साथ रहो तो वह आपसे कभी नहीं कहेगी, बल्कि आपको यह खुद महसूस करना होगा कि वह क्या चाहती है। आपको यह खुद महसूस करना होगा कि वह क्या चाहती है।